अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमडी बर्ड्स एंड एनिमल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको गोले कबूतर को शौक कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला कबूतर काला चाना, ये इसके पर देख लीजिए आप, और ये इसकी आँख का शौक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ये देख लीजिए भाई, दूसरा कबूतर लाल कलर का, इसको जो भी कहते हैं हमें नहीं पता है। आप देखिए, शौक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये देखिए, इसके गले पे रिंग होता तो और अच्छा लगता है। इसके आधे साइड पर रिंग है, इसके गंडे भी इसी लाल कलर के, पूछ सुरमई कलर की इसकी। इसकी आँख का शौक कीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले कबूतर की तरफ, उससे पहले इसे छोड़ देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये तीसरा कबूतर आपके लिए, चोटीदार कबूतर, बहुत ही बेहतरीन। इसकी आँख देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत आँख है इसकी दोस्तों। इसको जो भी कहते हैं वो आप खुद देखिए, हमें नाम नहीं पता, हमने पहले ही बताया आपको। ये देखिए, इसके पान बना हुआ है, और ये इसके पर देख लीजिए। ये सारे कबूतर हमारे घर के हैं, सब गर्दान कबूतर हैं। इसको देख लीजिए एक बार और आँख शौक कीजिए आँख का। इसकी छोटी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, छोड़ देते हैं इसको भी। ये देख लीजिए आपके लिए कल दुमा कबूतर, मेरे हिसाब से ये शायद मद्रासी क्रॉस में, लेकिन ये है गोला। इसकी आँख का शौक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आँख, और ये इसके परों का शौक कीजिए। मतलब हम कबूतरों को दोस्तों पकड़ते नहीं हैं, तो इसलिए बुरा मानते हैं, झटपट आते हैं, लेकिन आप लोगों को शौक कराने के लिए दोस्तों पकड़ना पड़ता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और ये आपके लिए वाइट कबूतर मकोया, आग का शौक कीजिए दोस्तों। ये है तो नहीं गोला, लेकिन गोला में चल जाएगी, फिर भी मादी नहीं है। और ये देख लीजिए, ये इसी के साथ का नर है, मतलब जोड़ा नहीं है, मतलब एक ही जोड़े के बच्चे हैं दोनों नर मादिन, और ये भी गोला में चल जाएगा। और ये देख लीजिए, ये बबरी कबूतरी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आँख में माशाल्लाह से। दोस्तों, कबूतर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। ये देख लीजिए इनकी आँख, देख लीजिए इस कबूतरी की, और इसे भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक कबूतर लाते हैं हम, सिराजी। ये इसको बीमार हो गया था दोस्तों ये पहले, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसके बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये वीडियो पहले की है, जब ये बीमार हो गया था, ये ठीक हो चुका है, बिल्कुल रिकवर हो चुका है। पूछ वगैरह हमने इसकी काटी थी, अभी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे की वीडियो में अपने जो काबली कबूतर हैं उनके तावे कराते हुए की वीडियो है, वो हम आपको शो करेंगे। ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए। बिल्कुल देखिए, तावे कर रहे हैं कबूतर हमारे, और इन्हें हमने अभी सीज़न में गोला कबूतर को, सीज़न था अपना लास्ट, उसमें सेट करा था तावों पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारे जो हमारे काबली उड़ते हैं वो हैं, बाकी आप जो लाल वाले हमने आपको दिखाया और चोटीदार, इसमें सिर्फ दो कबूतर हैं जो गोला हैं, बाकी सारे जो हमारे काबली हमने आपको वीडियो में शो करे हैं वो हैं ये। इनको हमने तावों पर माशाल्लाह से सेट करा था सीख के, और ये बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तावे कर रहे थे। गोला कबूतरों का शौक हमें जब से लगा, तो हमने अब गोला की ब्रीडिंग कराई है। इस लास्ट सीज़न ने इनको तावों में इसी को उड़ाया था गोलाओं की तरह, और अब ये वापस से काबली हो गए हैं फसलों गर्म से, काबलियों की तरह ये वैसे ही उड़ना है पहले की तरह जब हमने इन्हें सेट करा था। और पूरे दाने पे ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल भूखा रख के हमने सेट करा था, माशाल्लाह पूरे दाने पे
पेट भर जो दाना दिया जाता है कबूतर को, उसको उसी के हिसाब से हमने सेट करा था। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं उगा रखा था। अपना दाना खाते हैं माशाल्लाह उड़ जाते हैं, ख़त्म होते ही उठ रहे थे कबूतर माशाल्लाह, इतने प्यारे सेट हुए थे काबली। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कभी ऐसे कबूतरों को काबलियों को सेट कराया था वो भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।